इस संसार में जो कुछ है राम के नाम पर सब मिल जाता है, तो सबसे बड़ा राम का नाम है, राम का नाम सबको बचाना, ये मेरा काम है। अयोध्या के राम मंदिर में विराजित की गई रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी खबरों के बीच आपको लिए चलते हैं राजस्थान के नागौर जिले की जायल तहसील के गांव माता सुख। यहां रहते हैं राम भक्त हरिराम ढेड़ू। एयरफोर्स की नौकरी छोड़ कैसे राम नाम की लगन लगी हरिराम को, बताते हैं आपको। हरिराम और उनकी पत्नी सीता के जीवन का आधार ही राम नाम जप है। हरिराम बचपन से ही भक्ति के रास्ते चलते आए हैं। अपने दादा के पास बैठकर राम नाम का जाप किया करते थे, पढ़ाई के साथ भक्ति करते रहे। 1980 में एमएससी करने के बाद उनका एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। एयरफोर्स में 5 वर्ष उन्होंने सेवाएं दी, लेकिन इनका मन नौकरी छोड़कर भक्ति करने की ओर जा रहा था। हरिराम बताते हैं कि उन्होंने 5 वर्ष नौकरी करने के बाद 1985 में अपने विभाग से नौकरी छोड़ने की अपील की, तो उनके अधिकारियों ने उनकी इस अपील को मंजूर कर उनकी पेंशन शुरू कर दी। नौकरी के दौरान ही उनके घर वालों ने उनकी शादी भी कर दी। 1985 में हरिराम गांव लौट आए और घर पर ही राम नाम का जप शुरू किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनकी भक्ति को देखते हुए उनके साथ राम नाम जप में लग गई। गांव में या आसपास कहीं भी धार्मिक कार्यक्रम होता तो हरिराम वहां जरूर जाते हैं, लोगों को राम नाम जप करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये मनुष्य शरीर है जो राम जी की भक्ति करने के लिए ही मिला है, तो इसलिए मैं तो अब ये कहता हूँ जो अपना कल्याण चाहते हैं उसको राम का नाम जरूर लेना चाहिए। इसमें काम की कोई मना ही नहीं है, अपना काम अपना अपना काम करते हुए राम राम करें तो बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं सबसे बड़ा राम का नाम ही आखिर में निकला, ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, राम 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 राम, पूरा ही राम नाम में रंग गया। राम राम करता हूँ, राम राम कराता हूँ, मेरा भोजन ही राम नाम है, खाना पीना भी राम राम है, नौकरी राम राम है, काम ही राम राम है, सब कुछ प्रहलाद भगत मेरा भाई की तरह राम का नाम ही सर्वोपरि है। आखिर में निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, राम राम। 2015 में हरिराम ने खाना छोड़ दिया और केवल गाय का दूध और पानी के सहारे जीवन जीते रहे। हालांकि 2020 में कोविड में बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने खाना खाने की सलाह दी, परिवार ने दबाव बनाया तो हरिराम 24 घंटे में एक बार खाना खाने लगे हैं। उनका कहना है कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि खाना अंदर ही मिल जाता है। 2015 से लेकर 20 तक खाना छोड़ दिया था, फलाहार भी नहीं लेता था, खाली गाय का दूध पीता था। अच्छा अच्छा। और मैंने ये पक्का निश्चय हो गया कि पूरी उम्र भी खाना नहीं खाऊं तो भी मान लो मेरी ये पक्की प्रैक्टिस हो गई, अब खाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम गारंटी। शास्त्र हम सुनते भी हैं, तो मैंने ये देख लिया कि अंदर से खाना मिलना शुरू हो जाता है, राम नाम खुद ही खाना है, राम राम राम। और मेरा ही बहुत अच्छा मन, राम का नाम बहुत अच्छा लगे, फिर मेरी जियान बचपन में मेरी भक्ति में जीव लगोड़ा ठेठ जियान। मेरे मारी माता राम तो छोटी बचपन में जानती रही, तो मैं मेरी नानी गन बड़ी हुई। अच्छा। तो मेरा मामा मामी गने नानी नाना गन बड़ी हुई, जन्म जियान सत्संगत होती तो कटी भाव भजन हूं तो मैं जाती मेरी नानी को लेकर जाती। अच्छा। तो मन ठेठ हुई, बहुत अच्छी लागे सत्संगत राम को नाम, फिर मेरे बचपन में ही रंग लाग गया है। तो बेटा मैं ही बाद में मेरी शादी हुई तो मैं हट आता ही मेरे पति देव जियान 5 साल बाद नौकरी हुई जहाज में एयरफोर्स में करीर पचा को ही राम नाम में रंग लाग गया और मन लाग गया जना वे रेटा रूर व पेंसिल हुई गिर मेरा ही आँ के साथ में बहुत अच्छी मन लाग गया राम के नाम में, मेरे कोई बहुत अच्छी भक्ति लगती है।